रेवाड़ी के नगर परिषद ठेकेदार का कारनामा देखने को मिला, जहां रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक बाजार की जहां आज नगर परिषद के ठेकेदार ने बरसाती पानी की निकासी के लिए नाले का एक नाला खोदते वक्त दूसरे नाले का सीवर लाइन क्षतिग्रस्त कर दिया। आसपास के पूरे बाजार में खोदे गए नाले में भरा दूषित पानी भर गया, जिसके चलते दुकानदारों में काफ़ी रोष देखने को मिला। मौके पर पार्षद दीपक अग्रवाल ने DMC को बुलाया और सारी घटनाओं को अवगत कराया। नगर पार्षद ने DMC गोगिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जो कभी अपने दफ्तर के AC रूम से बाहर निकलकर नहीं देखते कि आखिर हाल शहर का क्या है। मीटिंग में बुलाकर उनका पूरा समय खराब करते हैं। जो अफसर कोई समय शहर में देना चाहे वो दे नहीं सकता। सुबह फाइल लेकर DMC दफ्तर, दोपहर में फाइल ढाई DMC दफ्तर, शाम को फाइल ढाई DMC दफ्तर। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, कोई व्यापारी की नहीं सुन ली, कोई जनता की नहीं सुन ली, किसी प्रकार का काम नहीं। ऐसा भ्रष्ट अफसर शहर में ना पहले आया है ना आएगा, इतना भ्रष्ट अफसर है ये DMC। दुकानें यदि टूट जाती है तो कोई सुनवाई नहीं है, वे राजी है। दुकानें टूट जाए कोई परवाह नहीं। एक दिन पहले सारी डायरेक्शन दी गई थी, दुकानदारों ने खुद बताया था कि भाई ऐसे मत तोड़ना, पानी आएगा, नाले का पानी आएगा, ये गंदगी आएगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और अब भी 10-11 बज गए होंगे मेरे ख्याल से, कोई आने का मतलब ही नहीं।